नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ पूजा। ग्वालियर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्यवाही करते हुए गांजे की एक बड़ी खेप को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी अमित सांगी ने बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि गांजे की बड़ी खेप ग्वालियर से कहीं जा रही है। सूचना पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक क्रेटा गाड़ी को रोक कर चेक किया तो उसमें 50 किलो गांजा बरामद हुआ। गाड़ी में 4 आरोपी भी मौजूद थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पता लगा ही है कि आरोपी गांजे की खेप कहां से ला रहे थे और कहां ले जा रहे थे। ये क्राइम ब्रांच ग्वालियर ने कार्रवाई करते हुए बीती रात्रि एक गांजे की खेप पकड़ी है जो कि एक एसयूवी क्रेटा गाड़ी में थी। 4 इसमें आरोपी थे और ये लगभग 50 किलो गांजा है जो जिसका मूल्य करीब 5 लाख रुपए होता है। तो इनको पकड़ा है, पकड़ के अभी इनसे पूछताछ की जा रही है जिससे कि ये क्लियर हो ये गांजा ये कहाँ से ला रहे थे और कहाँ इसको खपाना चाह रहे थे। जो सर आरोपी पकड़े गए हैं वो आगरा के प्रॉपर हैं कि कहीं और के? ये आरोपी जो हैं इसमें से 3 मध्य प्रदेश के हैं, 1 मध्य प्रदेश के बाहर के। क्या क्वांटिटी है और कितने ये 50 किलो है गांजा? 50 कितनी कीमत? 5 लाख रुपए कीमत है। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।